YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। हुसैनाबाद अनुमंडल के जपला से शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय में शासी निकाय के अध्यक्ष तत्कालीन एसडीओ सुरजीत कुमार सिंह और सचिव सह स्थानीय विधायक कुशवाहा सिंह मेहता द्वारा सेवा विस्तार कर 18 माह के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मोहम्मद रजी खान को महाविद्यालय में रखना महंगा पड़ा। भुगतान किए गए प्रत्येक माह 24,500 रुपए की दर से 16 माह का अधिविद्ध परिषद के सचिव ने महाविद्यालय को मिलने वाले अनुदान की राशि में से 3,92,000 रुपए की कटौती कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 60 साल के सेवानिवृत्ति के बाद पुनः महाविद्यालय में नहीं रखना है। मालूम हो कि सरकार के संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के आलोक में अब्दुल रजी खान प्रभारी प्रचार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के परिवाद संख्या 41/2017 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री खान को 16/6/2017 को आयोजित शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 31/1/2017 सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवा विस्तार कर माह फरवरी 2017 से मई 2018 तक प्रतिमाह 24,500 रुपए की दर से कुल 16 महीने का 3,92,000 रुपए भुगतान किया गया है, जिसने स्पष्ट रूप से इंटर महाविद्यालय के शासी निकाय को दोषी माना है और किए गए मानदेय भुगतान को भी गलत बताया गया है। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब्दुल रजी खान को भुगतान की गई राशि को शासी निकाय जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त राशि को कोषागार में जमा करेंगे। साथ ही अधिविद परिषद रांची के सचिव ने शासी निकाय पर नियम संगत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। उधर वर्तमान शासी निकाय के अध्यक्ष एसडीओ कुंदन कुमार के द्वारा बैठक आहूत कर अब्दुल रजी खान को हटा दिया गया है।